वेलकम बैक स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी रीड अलॉन्ग एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में फ्रिक्शन को। दिस इज लेक्चर नंबर 8, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हम लोग पढ़ रहे थे। सो ओपन योर एनसीईआरटी पेज नंबर 101। इसमें आर्टिकल है 5.9.1 और फ्रिक्शन को हमें समझना है। व्हाट इज फ्रिक्शन एंड व्हाट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड हाउ दे आर रिलेटेड। So let us return to the example of a body of mass m at rest on a horizontal table। ठीक है, मान लीजिए कोई किताब है जिसका मास m है, वो रेस्ट पर है horizontal table पर। The force of gravity mg is cancelled by the normal reaction force n of the table। तो जो दिख रहा है हमें सिचुएशन, वो क्या दिख रही है उसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज दिस इज सरफेस ऑफ टेबल एंड यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है जिसका मास mg, ये मैं उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मानूँ, सेंटर ऑफ मास पे मैं लगा दिया, वो नीचे की तरफ काम कर रहा है और जो नॉर्मल रिएक्शन है जिसको हम दिखाते हैं n से, कैपिटल n से, वो ऊपर की तरफ काम कर रही है। तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। मैं यहाँ क्लियर कर दूं बच्चों, ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक्शन तो टेबल पर हो रहा है और उसका रिएक्शन पेयर नॉर्मल रिएक्शन है। तो ये आपको समझना होगा, ये बहुत मिसकंसेप्ट यहाँ पे डेवलप हो जाता है। तो हम ये एक ही बॉडी की बात कर रहे हैं जबकि एक्शन रिएक्शन पेयर एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज। तो कैपिटल एन एम जी को बैलेंस कर रहा है, यानी ये इस बॉडी पर लगने वाले फोर्सेज हैं। So, force of gravity mg is cancelled by the normal reaction force n of the table. Now, suppose a force F is applied horizontally to the body. Horizontal direction में हमने एक force लगाना शुरू किया। We know from experience that a small applied force may not be enough to move the body. क्यों? क्योंकि उसके against कोई force definitely काम कर रहा है जो उसको balance कर रहा है। But if the applied force F were the only external force on the body, सिर्फ वही होता, it must move with acceleration F by m, जो हमने पढ़ा न्यूटन सेकेंड लॉ में। तो ये सिचुएशन फिगर ए को आप ध्यान से देखें, ये F लगाया, अगर कोई दूसरा फोर्स यहाँ नहीं होता तो ये बॉडी एक्सलेशन ए से चलना शुरू कर देती, यानी F upon m से चलना शुरू कर देती। However small, चाहे कितना भी छोटा फोर्स होता, clearly the body remains at rest, अभी खिसकना शुरू नहीं हुई। Because आपको पता है घर में आपने जब वो फ्रिज को धक्का देके खिसकाया था तो शुरू में, या बेड को खिसकाया तो शुरू में एकदम से फोर्स जब कम था तो खिसकना शुरू नहीं होता है। उसके बाद जैसे जैसे फोर्स आप बढ़ाते गए, एक कंडीशन ऐसी आई कि उसके बाद उसने खिसकना शुरू किया, यानी उसको कोई रोक भी रहा था। वो रोकने वाला जो फोर्स था बच्चों, वो था फ्रिक्शन, जो यहाँ लग रहा है FS से दिखाया हमने। Some other force comes into play in the horizontal direction. जैसे हम लगाते हैं वैसे वो force existence में आता है और magnitude में exactly उतना ही होता है। And opposes the applied force F, उसका विरोध करता है, resulting in zero net force on the body. इसलिए body नहीं खींच सकती है। This force, इसको हम दिखा रहे हैं small F subscript S से, parallel to the surface of the body in contact with the table is known as frictional force or simply friction. अब इसको आप ऐसे समझे बच्चों, friction actual में, friction is the property, friction वह गुण है जिसकी वजह से दो matting surfaces, दो मिलने वाली surfaces के बीच का जो relative motion है वो oppose होता है, उसका विरोध होता है। तो इस गुण को हम कहते हैं friction, और इसकी वजह से जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स। पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स बोलने में, लिखने में लंबा पड़ता है, और आगे प्रॉपर्टी फ्रिक्शन उसका यूज़ कहीं नहीं है। उसकी वजह से जो फोर्स आ रहा है, उसका जो आउटपुट है, आउटकम है, वही यूज़ हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लिखने की बजाय उसको हम फ्रिक्शन कहना शुरू कर देते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया FS parallel to frictional force or simply friction, उसको हमने बोलना शुरू कर दिया। तो figure 5.1A में आप देख सकते हैं, the subscript stands for static friction,
टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के। जब तक ये बॉडी मोशन में नहीं आई है एफ एस, जब ये मोशन में आ गई देन इट बिकम्स एफ सबस्क्रिप्ट के। तो एक स्टेटिक फ्रिक्शन है और दूसरा काइनेटिक फ्रिक्शन है जिसको हम सबस्क्रिप्ट लगाकर दिखा रहे हैं। दैट वी कंसिडर लेटर, काइनेटिक फ्रिक्शन की बात हम आगे करेंगे। नोट दैट स्टेटिक फ्रिक्शन डज नॉट, स्टेटिक फ्रिक्शन क्या नहीं कर रहा है उसकी बात करने पहले डायग्राम का डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं क्या लिखा है। स्टेटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इसको काइनेटिक स्टेट में कह सकते हैं। ए इम्पेंडिंग मोशन ऑफ द बॉडी इज अपोज्ड बाय स्टेटिक फ्रिक्शन। व्हेन एक्सटर्नल फोर्स एक्सीड्स द मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्टेटिक फ्रिक्शन द बॉडी बिगिंस टू मूव, ये चलना शुरू कर देगी। बी पार्ट आ गया, वंस द बॉडी इज इन मोशन इट इज सब्जेक्टेड टू स्लाइडिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग में भी ऐसा रहा है तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, इसलिए हम उसको काइनेटिक फ्रिक्शन ही बोलेंगे इस स्लाइडिंग की बजाय। विच अपोजेज रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सर्फेसिज इन कॉन्टेक्ट। काइनेटिक फ्रिक्शन इज यूजली लेस देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टेटिक फ्रिक्शन, और ये आप प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करके देख सकते हैं बच्चों। जो भी आपके घर में डबल बेड है या सिंगल बेड है, बड़ा सा भारी स्टोरेज वाला, उसको खिसकाने की कोशिश करके देखो, आपको पूरा ये फील हो जाएगा स्टेटिक और कब हो गया काइनेटिक। और एक बार जब खिसकना शुरू होता है तो काम आसान हो जाता है, हमें उतना फोर्स नहीं लगाना पड़ता है। तो ये तो आप एक्सपेरिमेंटली खुद फील कर सकते हैं। सो आगे कंटिन्यू करें, नोट दैट स्टेटिक फ्रिक्शन डज नॉट, स्टेटिक फ्रिक्शन क्या नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ। जब तक आपने कोई फोर्स नहीं लगाया था तब तक ये एग्जिस्टेंस में नहीं आया था। व्हेन देयर इज नो अप्लाइड फोर्स देयर इज नो स्टेटिक फ्रिक्शन, इट कम्स इनटू प्ले द मोमेंट देयर इज एन अप्लाइड फोर्स। जैसे आप फोर्स लगाते हैं वैसे एग्जिस्टेंस में आता है। एज द अप्लाइड फोर्स एफ इंक्रीजेस एफ एस ऑल्सो इंक्रीजेस, ये भी बढ़ता है। रिमेनिंग इक्वल एंड अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स अप टू ए सर्टेन लिमिट। बच्चों में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिस पर कई तरह से घुमा घुमा कर क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। एक सर्टेन लिमिट जिसको हम लिमिटिंग वैल्यू डिफाइन करते हैं, तब तक ये बढ़ेगा। कीपिंग द बॉडी एट रेस्ट, तब तक बॉडी रेस्ट पर रहेगी, हैंस इट इज कॉल्ड स्टेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि स्टेशनरी स्टेट में है। स्टेटिक फ्रिक्शन अपोजेज इम्पेंडिंग मोशन, ये प्रॉपर्टी हो गई इसकी। जो सपोज्ड मोशन है, जो प्रस्तावित गति है, उसका विरोध करता है। द टर्म इम्पेंडिंग मोशन मीन्स मोशन दैट वुड टेक प्लेस, हो जाता, बट डज नॉट एक्चुअली टेक प्लेस, नहीं हुआ अंडर द अप्लाइड फोर्स। कब हो जाता, इफ फ्रिक्शन वर एब्सेंट, अगर वहां पर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये होता, फ्रिक्शन था इसलिए ये नहीं हो पाया। वी नो फ्रॉम एक्सपीरियंस दैट एज द अप्लाइड फोर्स एक्सीड्स ए सर्टेन लिमिट द बॉडी बिगिंस टू मूव, बॉडी चलना शुरू कर देती है। इट इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टेटिक फ्रिक्शन एफ एस मैक्स इज इनडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट एंड वेरीज विद द नॉर्मल फोर्स अप्रॉक्सीमेटली एज। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया फ्रिक्शन का, इक्वेशन 5.13। एफ एस मैक्स इज म्यू एस टाइम्स एन, कॉन्स्टेंट टाइम्स एन, यानी जब तक ये बच्चों नॉर्मल रिएक्शन एन चेंज नहीं होगी, ये फ्रिक्शन का फोर्स चेंज नहीं होगा, क्योंकि म्यू एस तो कॉन्स्टेंट है फॉर द गिवन सर्फेसिस। एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट से फर्क नहीं पड़ता। अब इसको सीधे हम प्रैक्टिकली लिंक करते हैं। आपने कई तरह की साइकिलें देखी बच्चों, मोटे टायर वाली, पतले टायर वाली। बी एस एस एल आर जनरली पतले टायर वाली साइकिल है, और मोटे मोटे टायर वाली साइकिलें आती हैं। तो क्या डिफरेंस है? फिर आप इनके ब्रेक शू को देखिए, ब्रेक लगाते हैं तो वहाँ पर वो जो रबड़ का गुटका लगा हुआ उसको देखिए। तो आपसे सवाल पूछा जाता है, एनसीईआरटी में मिल जाएगा क्वेश्चन आपको, ब्रेक शू अगर मोटा है, सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो क्या ब्रेक ज़्यादा इफेक्टिवली लगेंगे? क्या मोटे टायर वाली साइकिल में जिसमें सरफेस एरिया इन कॉन्टेक्ट ज़्यादा है फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा? तो बच्चों जवाब यहाँ छुपा है। Until n remains same, टायर मोटे हैं पर अगर वजन उतना ही है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन कहाँ से आ रही है, नीचे mg लग रहा है उसकी नॉर्मल रिएक्शन आ रही है। तो नॉर्मल रिएक्शन अगर ज़्यादा नहीं है
तो चाहे साइकिल मोटे टायर वाली हो हीरो रेंजर, चाहे साइकिल पतले टायर वाली हो BSA SLR, फ्रिक्शन विल बी सेम, फ्रिक्शन चेंज होने वाला नहीं है, सरफेस एरिया ऑन कॉन्टेक्ट पर डिपेंड नहीं करता है। तो चाहे ब्रेक शू पतला हो, चाहे ब्रेक शू मोटा हो ज़्यादा सरफेस एरिया वाला, ब्रेकिंग फोर्स जब तक चेंज नहीं करेंगे तब तक फ्रिक्शन उतना ही रहेगा, फ्रिक्शन विल नॉट चेंज। तो म्यू एस इज ए कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डिपेंडिंग ओनली ऑन द नेचर ऑफ द सर्फेसिज इन कॉन्टेक्ट, इज कॉल्ड कॉफिशियंट ऑफ स्टेटिक फ्रिक्शन। आपसे पूछा जाता है किस किस पर डिपेंड करता है म्यू एस, डिपेंड करता है ओनली ऑन द नेचर ऑफ द सर्फेसिज इन कॉन्टेक्ट, कि सड़क और रबर, या आप घर में चला रहे हैं साइकिल तो जो फर्श है वो फर्श संगमरमर का हो सकता है, मार्बल फ्लोर और रबर, वो फर्श कोटा स्टोन का हो सकता है, तो फ्रिक्शन डिफरेंट होगा बच्चों। घिसा हुआ हो सकता है स्मूथ सरफेस, नेचर ऑफ सरफेस, रफ सरफेस हो सकती है, तो अकॉर्डिंगली फ्रिक्शन चेंज हो जाएगा। तो छोटी खिलौना कार जब आपने चलाई है आप अलग अलग सरफेस पे उसको चलाकर देख सकते हैं और एनर्जी पर क्या इम्पैक्ट आता है, कितनी दूर तक वो जाती थी रफ सरफेस पर, कितनी दूर पर स्मूथ सरफेस पर, उससे आपको पता चल जाएगा फ्रिक्शन कैसे काम करता है। द लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन में दस बे रिटर्न एज, कैसे लिख सकते हैं उसको हम, Fs जो फ्रिक्शनल फोर्स है लेस देन इक्वल टू म्यू एस टाइम्स n होगा, उससे कम या उसके बराबर एट द मोस्ट। इफ द अप्लाइड फोर्स F एक्सीड्स Fs मैक्स द बॉडी बिगिंस टू स्लाइड ऑन द सर्फेस। इट इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट व्हेन रिलेटिव मोशन हैज स्टार्टेड द फ्रिक्शनल फोर्स डिक्रीजेस फ्रॉम द स्टेटिक मैक्सिमम वैल्यू Fs मैक्स, उससे थोड़ा सा कम हो जाएगा। फ्रिक्शनल फोर्स दैट अपोजेज रिलेटिव मोशन बिटवीन सर्फेसिज इन कॉन्टेक्ट इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड इज डिनोटेड बाई एफ के। तो म्यू चेंज हो जाने की वजह से, म्यू एस से ये म्यू के में कन्वर्ट हो जाने की वजह से एफ एस से ये एफ के में कन्वर्ट हो जाएगा। लाइक स्टेटिक फ्रिक्शन इज फाउंड टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, ये भी काइनेटिक फ्रिक्शन भी स्टेटिक फ्रिक्शन की तरह ही एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट पर डिपेंड नहीं करता। फर्दर इट इज नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है बच्चों, वेलोसिटी पर भी डिपेंड नहीं करता, नियरली लगभग, चाहे तेज चल रहा हो ऑब्जेक्ट चाहे धीमे चल रहा हो, तो इस लेवल पर हम ये मान के चलेंगे कि स्पीड इंडिपेंडेंट है। इट सेटिस्फाइड ए लॉ सिमिलर टू दैट फॉर स्टेटिक फ्रिक्शन, तो फॉर्मूला क्या हो गया, एफ के इक्वल टू म्यू के टाइम्स एन, वेयर म्यू के इज द कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, डिपेंड्स ओनली ऑन द सर्फेसिज इन कॉन्टेक्ट, उनके नेचर पर डिपेंड करेगा एज मेंशन अबव। एक्सपेरिमेंट शोज दैट म्यू के इज लेस देन म्यू एस, ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, म्यू के म्यू एस और आगे एक म्यू आर आ जाएगा रोलिंग फ्रिक्शन, तीनों को हम रिलेट करेंगे, म्यू आर और भी कम होता है। व्हेन रिलेटिव मोशन हैज बिगन द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ इज एफ माइनस एफ, यानी नेट फोर्स अपॉन मास, इतना हो जाएगा। फॉर ए बॉडी मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी एफ एफ के बराबर है, क्योंकि वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है तो काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर है। बच्चों ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इन पर कई तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं कंपटीशन में। तो साइमल्टेनियसली मैं अब जो है 11th के लिए भी कंपटीशन वाली एक्सरसाइज शुरू करूंगा, जैसे मैंने 12th के लिए चला रखी है। सो आप देखते रहें वीडियोस, इसमें सारा कंटेंट आपको मैं डिलीवर करूंगा यहाँ पर। इफ द अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी इज रिमूव्ड इट्स एक्सेलरेशन इज माइनस एफ के अपॉन एम, सिर्फ इतना रह जाएगा एंड इट इवेंचुअली कम्स टू ए स्टॉप, क्योंकि अपोजिशन में आ गया। पहले कितना था, जब तक फोर्स लग रहा था एफ माइनस एफ के अपॉन एम था, और जैसे ही अप्लाइड फोर्स को हटाया आपने एक्सेलेरेशन रह गया माइनस एफ के अपॉन एम, कम हो गया, रिटार्डेशन हो गया, क्योंकि नेगेटिव है अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए बॉडी रुक जाती है। द लॉज ऑफ फ्रिक्शन गिवन अबोव डू नॉट हैव द स्टेटस ऑफ फंडामेंटल लॉज लाइक दोज फॉर ए ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेज, दे आर एम्पेरिकल रिलेशंस दैट आर ओनली अप्रॉक्सीमेटली ट्रू येट दे आर यूजफुल इन प्रैक्टिकल कैलकुलेशन इन मैकेनिक्स। Thus, when two bodies are in contact, each experiences a contact force by the other. Frictional, friction by definition is the component of the contact force parallel to the surface in contact. बच्चों रिपीट होगी डेफिनेशन, पहले अभी हमने पढ़ी थी, which opposes impending or actual relative motion between the two surfaces. उसका विरोध ये करेगा। Note that it is not motion, but relative motion that the frictional forces force opposes. मोशन को नहीं, रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है, यानी आपके नीचे से धरती अगर खिसके तो भी अपोज करेगा,
चाहे आप रेस्ट करो, रिलेटिव मोशन जब भी होगा, बट रिलेटिव मोशन दैट द फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट्स. कंसिडर ए बॉक्स लाइंग इन द कंपार्टमेंट ऑफ ट्रेन दैट इज एक्सलरेटिंग. इफ द बॉक्स इज स्टेशनरी रिलेटिव टू द ट्रेन, इट इज इन फैक्ट एक्सलरेटिंग अलॉन्ग विद द ट्रेन. वाट फोर्सेज कॉज द एक्सलेशन ऑफ द बॉक्स? अगर इसका जवाब आपसे मांगा जाए तो क्या ट्रेन का फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स? क्लियरली द ओनली कंसीवेबल फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. वही लग रहा है, और तो कोई फोर्स वहाँ पे लगता हो देख नहीं रहा. तो अगर वो नहीं चल रहा है, रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, फ्रिक्शन उसे अपने साथ खींच कर ले जा रहा है, फ्रिक्शन वर्क कर रहा है उसको ले जाने के लिए. सोचो इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इफ देयर वर नो फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन नहीं होता, द फ्लोर ऑफ द ट्रेन वुड स्लिप बाय एंड द बॉक्स वुड रिमेन एट इट्स इनिशियल पोजिशन ड्यू टू इनर्शिया एंड हिट द बैक साइड ऑफ द ट्रेन. दिस इम्पेंडिंग रिलेटिव मोशन इज अपोज्ड बाय द स्टैटिक फ्रिक्शन Fs. जब तक रिलेटिव मोशन, स्टैटिक फ्रिक्शन प्रोवाइड्स द सेम एक्सेलरेशन टू द बॉक्स एज दैट ऑफ द ट्रेन, कीपिंग इट स्टेशनरी रिलेटिव टू द ट्रेन. तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर. इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग पार्ट ऑफ फ्रिक्शन हम कंप्लीट करेंगे. मिलते हैं जल्दी.